गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश में लेसन फाइव वेकअप के क्वेश्चन आंसर करेंगे यहाँ पर देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर द बर्ड्स डूइंग पक्षी क्या कर रहे हैं तो जैसा कि हमने लेसन में रीड किया था पक्षी क्या कर रहे हैं द बर्ड्स आर सिंगिंग पक्षी गा रहे हैं द बर्ड्स आर सिंगिंग नेक्स्ट वाई डज द स्पीकर आस्क द लेट राइजर टू वेकअप अर्ली स्पीकर ने वक्ता ने लेट उठने वाले को जल्दी उठने के लिए क्यों कहा है क्यों कहा है हे आस्क्स द लेट राइजर टू वेकअप अर्ली बिकॉज इट इज़ बैड टू लाई टू लेट इन बैड वक्ता ने लेट उठने के वाले को जल्दी उठने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि इतनी देर तक बिस्तर में लेटे रहना अच्छी बात नहीं है ही आस्क द लेट राइजर टू वेक अप अर्ली बिकॉज इट इज़ बैड टू लाई टू लेट इन बेड नेक्स्ट इज वाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज स्लीपी हेड स्लीपी हेड फ्रेस से क्या सजेस्ट किया गया है तो इट सजेस्ट्स डोजिंग एंड स्लीपी आइज इट इज़ अ सिम्बल ऑफ बींगजी इसे क्या सजेस्ट किया गया है डोजिंग एंड स्लीपी आइज़ इट इज़ अ सिम्बल ऑफ बींगजी ये आलसी होने का प्रतीक है नेक्स्ट इज़ वाट इज़ द पॉइट ट्राइंग टू सजेस्ट इन द पोएम पॉइट ने कवि ने पोएम में कविता में क्या सजेस्ट करने की कोशिश की है द पॉइट इन द पोएम इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट वी शुड गेट अ पर् इन द मॉर्निंग कवि कविता में यह सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए द पॉइंट इन द पॉइम इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं वट आर द बर्ड्स डूइंग आंसर इज द बर्ड्स आर सिंगिंग नेक्स्ट वाई डज द स्पीकर आस्क द लेट राइजर टू वेक अप अर्ली Answer is, he asks the late riser to wake up early because it is bad to lie too late in bed. Next question is, what is suggested by the phrase sleepy head? Answer is, it suggests dozing and sleepy eyes. It is a symbol of being lazy. Question number four What is the poet trying to suggest in the poem? Answer is the poet in the poem is trying to suggest that we should get up early in the morning.